आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में काउंसलिंग कराते हैं किसी एडमिशन के लिए तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप करे। चलिए वीडियो, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है आपकी मार्कशीट ऑल ईयर्स की। मान लीजिए आप किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम, तो आपको 10th की मार्कशीट की जरूरत होगी और 12th की मार्कशीट की जरूरत होगी। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनकी 12th की मार्कशीट अभी आई ना हो ओरिजिनल, तो आप सारे लोगों को काउंसलिंग में इंटरनेट कॉपी लेके जानी होगी और 10th की ओरिजिनल लेके जानी होगी। देन नंबर टू डॉक्यूमेंट है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपने पुराने स्कूल से मिलेगा जहाँ से आपने 12th की है वहाँ से। अगर आपके टीसी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉलेज आपको कुछ दिन का टाइम दे देगा टीसी सबमिट करने के लिए, जिसमें मैं भी आपको काउंसलिंग कराएंगे। नेक्स्ट थर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए होगा अपनी काउंसलिंग के लिए, जो कि है करेक्टर सर्टिफिकेट। आपको आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी अपने पुराने स्कूल से ही मिलेगा, तो आप सारे लोग अपने पुराने स्कूल जाइए, वहाँ से अपनी मार्कशीट लीजिए 12th की, करेक्टर सर्टिफिकेट लीजिए, टीसी लीजिए। नेक्स्ट चीज़ है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी चौथी, जो कि है आपके 3 फोटो चाहिए होंगे आपको। देन फिफ्थ सर्टिफिकेट केवल कुछ स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी के यानी एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। देन सिक्स सर्टिफिकेट है वो तो आप सारे लोगों को देना है, जो कि आधार कार्ड, मेरा आधार मेरी पहचान, आधार कार्ड आप सारे लोगों को देना होगा। सेवन्थ डॉक्यूमेंट और लास्ट डॉक्यूमेंट जो आप सबको चाहिए होगा वो चाहिए होगा वेब रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट। देखिए आप किसी भी स्कूल में कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो आगरा यूनिवर्सिटी के में, तो आपको आप सबने वेब रजिस्ट्रेशन भी कराया होगा आगरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, तो वो वेब रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको काउंसलिंग में दिखाना होगा। ओके देन यही सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिससे कि उन्हें जानकारी मिले। जय हिंद जय भारत।